नोएडा का सबसे चर्चित निठारी कांड आपको याद ही होगा, जिसने देश को दहला दिया था, भारत के हर एक नागरिक को झकझोर कर रख दिया था। इस कांड के खुलासे ने लोगों को हिला कर रख दिया था। वो साल था 2006 और आज है साल 2023। एक बार फिर इस दर्दनाक हत्याकांड के जख्म ताजा हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि निठारी कांड के आरोपियों को लेकर जो फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया है, वो सुनकर हर शख्स चौंक गया है। हाईकोर्ट ने न सिर्फ निठारी कांड के दोषियों को सबसे बड़ी राहत दी, बल्कि सीबीआई को बड़ा झटका भी दे दिया। निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को तमाम मामलों में हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में दोषमुक्त करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसके साथ ही दोनों को मिली फांसी की सजा को भी रद्द कर दिया गया। बता दें कि कई दिनों की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर फैसला सोमवार को आना था। हाईकोर्ट के फैसले से साफ है कि उसने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट के फांसी की सजा के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया है, जिससे सीबीआई खुश नहीं है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। सीबीआई के वकील के अलावा वो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से नाराज हैं, जिनकी बेटी के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता की मां ने दर्द भरी आवाज में मोदी सरकार से अपील की कि दोषियों को रिहा नहीं फांसी मिलनी चाहिए। उसको सजा ना दी, माफ करी जाए, उसको फांसी दी जाए, उसको जरूर फांसी लगाई जाए कि जैसे हमारी बच्ची मारी है ना, ऐसे ही मारा जाए उसको। योगी सरकार से, मोदी सरकार से हमारी यही है कि इनके दरिंदों को फांसी जरूर दे, जैसे हमारी बच्ची मारी ना, ऐसे फांसी इन दोनों को जरूर दे। स्थानीय लोगों ने निचली अदालत के इस फैसले पर नाराजगी तो जाहिर की, साथ ही साथ सरकार को भी लपेटे में ले लिया। आप खुद सुनिए। बच्चों को मार के काट के खा रहे थे तो हम बहुत छोटे हुआ करते थे, डरते थे, और आज वही इतना बड़ा कैदी या कुछ भी कह सकते हो आप, वो निकल के आ रहा, वो फिर से यही काम करेगा, आसपास के बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी ऐसे में तो जमानत होनी नहीं चाहिए, तो ये तो गलत है। उसके ऐसे तो बहुत बड़े बड़े कैदी उन्हें भी आप जमानत दिलवाओ जो कुछ किया ही नहीं है। आप बता रहे थे कि आप बहुत छोटे थे उस टाइम। हाँ, उस समय समय था, किस तरह की परिस्थितियाँ थी उस टाइम? उस टाइम परिस्थिति ऐसी थी कि हमारे माँ बाप हमें छुपाते थे, हम बाहर जाना चाहते थे, स्कूल भेजते हुए डर लगता था उन्हें, डर लगता था कि कभी ना कभी हम भी सड़क पे रहते हैं, कहीं भी हम ना हाथ आ जाए। क्या अपील करेंगे सरकार से आप? मैं तो यही अपील करूंगा, जो भी कर रही है सरकार गलत कर रही है, ऐसे कैदी को तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और फांसी तक तो पहुँचाना ही चाहिए ऐसे सजा। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस आधार पर अदालत ने दोषियों को बरी किया। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह न होने के आधार पर ये फैसला लिया। क्या था निठारी कांड, कैसे हुई आरोपियों की गिरफ्तारी? 7 मई 2006 को निठारी में रहने वाली एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था। इसके बाद युवती घर नहीं लौटी। युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। 29 दिसंबर 2006 को निठारी में पंढेर की कोठी के पीछे 19 बच्ची और महिलाओं के कंकाल मिले। इस मामले में पुलिस ने पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया था। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का विरोध हो रहा है, सवाल भी उठ रहे हैं जो लाजमी हैं, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया था। इतने कंकाल पुलिस ने बरामद किए थे, उनके गुनाहों की फेरिस्त भी लंबी थी, बावजूद इसके आरोपी बाइज्जत बरी कर दिए गए। अब देखना यह है कि क्या मृतका के परिजनों को इंसाफ मिल पाएगा।